एमपी के दतिया में भीषण अग्निकांड, पंडोखर धाम में लगी भीषण आग, संतों के लिए बनी कुटीर जलकर खाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में बड़ा हादसा हो गया, जहां पंडोखर धाम में भीषण आग लग गई। इस हादसे में संतों के लिए बनी कुटीर जलकर राख में तब्दील हो गई। कुटीर में एसी सहित कई कीमती सामान जल गए, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। जानकारी के बाद भी दमकल की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे आग फैलती गई। हालांकि आग लगने का कारण अब तक सामने नहीं आया है। बता दें कि कल मंगलवार से 8 मई 2024 तक धाम महोत्सव शुरू होने वाला था, जिसमें श्रीराम महायज्ञ और विशाल मेले का भव्य आयोजन किया जाना था। श्री राम महायज्ञ एवं विशाल मेले में देश विदेश के अनेक विभूतियों और बड़ी संख्या में भक्तों का आगमन होने वाला था, लेकिन इस भव्य आयोजन से पहले ये बड़ा हादसा हो गया। पंडोखर धाम के सूत्र के अनुसार आग लगने से कई लाख का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है, लेकिन पंडोखर धाम के सूत्रों के मुताबिक आग के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। पंडोखर धाम के महंत गुरु शरण ने बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि बाहर से आए दो लड़कों ने आग लगाई है। पुलिस इन सब तथ्यों की जांच करेगी, लेकिन यह बात जरूर है कि कल से पंडोखर में राम यज्ञ शुरू होने जा रहा है। मैंने प्रशासन को इसकी सूचना भी दे दी थी, फिर भी प्रशासन ने यहां एक फायर ब्रिगेड की व्यवस्था तक नहीं की। पंडोखर धाम में श्री राम महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। कल से कलश यात्रा थी, यहाँ दो संतों के लिए रुकने की कुटिया थी, और जो पंडोखर धाम का जो हमारे पीठाधीश्वर है श्री गुरुचरण जी महाराज, उनका आवास था, उनका साधना का भी स्थान था, और पंडोखर धाम जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का कार्यालय का भी एक हिस्सा था, जिसमें अलमारियां थी और काफ़ी रिकॉर्ड था, बहुत सा सामान था। बहुत क्षति हो गई है, इसमें भक्तों के सहयोग से आपको बहुत दूर क्षेत्र में जाने से रोक लिया गया है, परंतु काफ़ी नुकसान हो गया है। आप देख रहे हैं पुलिस भी यहाँ पर लगे हुए हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं, परंतु पूरा सब कुछ जल के खाक हो गया है। काफी इसमें हमारे कंप्यूटर सेट है और काफी रिकॉर्ड है, एसी वगैरह और बहुत सा सामान था, जो स्टाफ था वो भी यहाँ आदमी नष्ट हो गया है। और यहाँ इस तरफ देखेंगे, ये संतों के लिए कुटी थी, ये संतों के लिए भी कुटिया जल के खाक हो गई है। काफी नुकसान हुआ है आज पंडोखर धाम में। पंडोखर धाम में 23 अप्रैल होने वाले श्रीराम महायज्ञ में जो तैयारी चल रही थी, जिसमें बताया गया है कि कुछ लेबर के द्वारा कि बाहर के दो लड़के आए और उन्होंने आग लगा करके पीछे की तरफ से भाग लिए, कुछ उन्होंने फेंका है आग का, और इससे अभी पुलिस उस पर शोध करेगी। मुझे अभी, मैं तो बाहर था, मैं अभी भी आया हूँ, देखा कि पूरा फैसनेस हो गया, जल गया है, लेकिन कल यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। सब व्यवस्थाएँ हनुमान जी के पास बनेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये व्यवस्था शासन प्रशासन करना चाहिए। जब हमने जानकारी दी, सूचना दी कि हमको एक मशीन की, आग बुझाने वाली मशीन की व्यवस्था कराई जाए, मैंने सबको बताया गया, सूचना भी दी, पत्र में भी लिखा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन आप सबसे आग्रह निवेदन है कि इसको सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन मदद करे, सहयोग करे, क्योंकि ये राष्ट्र का लोक कल्याण जनहित में ये आयोजन है, जिसमें आप सबके सहयोग की कामना करें। इस खबर में बस इतना ही, बने रहे सीआईडी न्यूज के साथ।